तो ये हमारा वायरलेस टॉपिक है जिसमें हमने ये सीख चुके हैं कि वायरलेस क्या होता है, किस तरीके का इंटरफेस होता है और इसमें किस तरीके के कम्युनिकेशन किया जा सकता है। और साथ में ही हमने ये भी सीखा था कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें किस प्रकार की वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं, कौन कौन सी वेव्स होती हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर। और साथ में ये भी देखा था कि वायरलेस होता है या अनगाइडेड मीडिया होता है या अनबाउंडेड मीडिया होता है, उसमें कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो हमने ये सारी चीज़ सीखी थी, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, बायमैक्स, लेजर, ये सारे इसके टाइप्स थे, जिसमें हमारा माइक्रोवेव्स हो चुका है और रेडियो वेव्स हो चुका है और सैटेलाइट हमने कर लिया है। आज हम सीखेंगे इंफ्रारेड के बारे में कि इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ होता है, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इज दैट क्लियर। तो आज हम इंफ्रारेड को क्लियर कर लेंगे, ब्लूटूथ को क्लियर कर लेंगे और आगे के भी टॉपिक क्लियर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगा, तो आप उस क्वेश्चन आंसर की जो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ उसमें सारे वो पॉइंट हैं जो हम इसमें समझ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से हमने उनको समझ लिया है, तो आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपको रटना नहीं है एक भी पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट वो चाहिए वो है जो हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी की है उन पे। क्लियर। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आपके क्वेश्चन आंसर में, तो आप हमसे पूछ लेना, हम आपको दोबारा से उन क्वेश्चन आंसर को समझा देंगे। लेकिन मोस्टली वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी लैंग्वेज में है। इजी लैंग्वेज हमको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम उसको बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भेजूंगा जो 2 से 3 लाइन के होते हैं, वो हो जाएंगे फिर हमारे वेरी शॉर्ट आज हो जाएंगे, शॉर्ट कल मैं आपको भेज दूंगा और संडे के दिन मैं आपको लॉन्ग भेज दूंगा। तो हमारे तीनों प्रकार के हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर में मैं आपको वो समझाऊंगा कि आपको कैसे याद करना है, क्योंकि कोई भी जैसे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, तो जो हमारे वेरी शॉर्ट होते हैं, जो शॉर्ट होते हैं, वो लॉन्ग का ही एक छोटा सा रूप होता है। तो अगर हम लॉन्ग को याद कर लेंगे तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो हम कभी भी बना सकते हैं, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो वो हमारी बाद की बात है, चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट हमारी वेव्स है इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है आपको मालूम है? नहीं। तो इंफ्रारेड वेव्स, तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज यूजली लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया। जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उसका यूज एक लिमिटेशन एरिया में, एक स्मॉल एरिया में किया जाता है, अर्थात जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स हैं वो एक रेंज के, एक छोटी सी रेंज के अंतर्गत ही काम करती हैं। जैसे एक रूम के अंदर, किसके, एक रूम के अंदर विद द ट्रांसमीटर पॉइंटर टूवर्ड्स द रिसीवर, जो हमारा ट्रांसमीटर पॉइंट होता है वो हमें रिसीवर की ओर करना पड़ता है। द हार्डवेयर इज इनएक्सपेंसिव एंड डज नॉट रिक्वायर एन एंटीना। इस प्रकार की वेव्स में हमें किसी भी एंटीना की आवश्यकता नहीं होती है और वह इनएक्सपेंसिव होता है। इनएक्सपेंसिव आप शायद समझते होंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव का ही अपोजिटिव क्या होता है, इनएक्सपेंसिव। और इंफ्रारेड लाइट इज यूज टू सेंड डेटा। जो हमारी इंफ्रारेड होती है, जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती है, उसमें जो डाटा सेंड किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, लाइट के माध्यम से किया जाता है। एग्जाम्पल टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर। तो आपने जैसे घर में टीवी लगी हुई है, आपके पास रिमोट होता है, तो आप क्या करते हो, उस रिमोट से टीवी की साइड रिमोट करते हो और उसको जिस चैनल में सेट करना होता है आप उस चैनल पर
वो बटन दबाते हो वो उस चैनल को कैप्चर कर लेता है और वो चैनल एक्टिव होकर चालू हो जाता है। तो वो टीवी रिमोट में आपने देखा होगा, हम कोई भी बटन दबाते हैं तो आगे एक लाइट जलती है, तो वो कौन सी होती है, हमारी इंफ्रारेड वेव्स लाइट होती है, जिसके माध्यम से ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल सेंड किए जाते हैं। और जो हमारी टीवी लगी होती है उसमें रिसीवर लगा होता है जो उन सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है। सपोज मान के चलो ये हमारा रिमोट हो गया, ये हमारी किरण है यार, ये हमारी टीवी हो गई, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये लाइट जल रही है, तो जैसे ही हम इसमें बटनों को दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो लाइट थी वो जलती है और यहाँ से ये सिग्नल इस तरीके से जाते हैं लाइट के फॉर्म में, और यहाँ पर जो रिसीवर लगा रहता है वो उनको कैप्चर कर लेता है, और इस तरीके से हम अपने मनपसंद का कोई भी चैनल लगा सकती है। ऐसे ही हमारे वायरलेस स्पीकर में होता है, अगर हमें कोई भी वायरलेस चीज़ अपने डिवाइस से कनेक्ट की करनी होती है तो उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो हमारी जो इंफ्रारेड वेव्स होती है वो एक छोटी सी लिमिटेशन एरिया में काम करती है, जैसे एक रूम होगा या एक हॉल होगा उसके अंदर वो काम करती है। अब आपने देखा होगा कि जैसे टीवी आपकी ऊपर रखी है, ऊपर वाले हॉल में रखी है, आप नीचे वाले फ्लोर से बटन दबाओगे तो क्या टीवी चलेगी आपकी, क्या चैनल आपके चेंज होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो एक लिमिटेशन एरिया से बाहर हो जाता है। और मोस्टली जो पहले के रिमोट हैं उनमें तो टीवी की साइड ही करके रिमोट दबाना पड़ता है तभी वो सिग्नल्स उनको कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट टीवी वगैरह आ रही हैं उनमें एक हाई क्वालिटी की इंफ्रारेड वेव्स यूज की जा रही हैं, जो आप पूरे रूम में किसी भी साइड बटन दबाओगे तो वो टीवी में जो रिसीवर लगे रहते हैं वो उन सिग्नल्स को कैप्चर कर लेती हैं। लेकिन जितने भी आपकी जो ओल्ड टीवी है, जितने भी आपके पुराने डिवाइस हैं, उन सभी में आप टीवी की साइड ही रिमोट का मुंह करते हो और उसकी डायरेक्शन करते हो, वो जब भी बटन दबाते हो तो एक लाइट जलती है जिसके माध्यम से सिग्नल भेजे जाते हैं। क्लियर? चलिए अब इसका हम एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। तो पहला हमारा पावर कंजप्शन इज लेस, इसमें पावर कंजप्शन लेस होती है। दूसरा सिक्योरिटी कॉस्ट इज लेस, सिक्योरिटी कॉस्ट भी लेस लॉस होती है क्योंकि हमें बहुत ही आसान तरीके से उसको रिमोट के थ्रू ऑपरेट कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट है विद इंफ्रारेड कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफर फाइल्स एंड अदर डाटा बाय डायरेक्शनल, अर्थात हमारा जो कंप्यूटर का डेटा होता है उसे हम इंफ्रारेड के माध्यम से किसी भी डायरेक्शनल में बाय डायरेक्शनल में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स आती है कि इंफ्रारेड वेव्स का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो पहला डिसएडवांटेज तो था कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं की जाती है, शॉर्ट लिमिट के ही लिए होती है। फिर भी देख लेते हैं, लाइन ऑफ साइट नीडेड टू बी इन अ स्ट्रेट इन लाइन कम्युनिकेशन, अर्थात जिस साइड हमारा डिवाइस रखा हुआ है हमें उसी स्ट्रेट लाइन में कम्युनिकेशन करने के लिए उसकी साइड मिलाने की आवश्यकता होती है। अगर हमारी टीवी जिस साइड में रखी है, मोस्टली अगर हमें सिग्नल अपने सही तरीके से प्राप्त करने हैं तो हमें अपनी टीवी की साइड ही रिमोट करके उनके सिग्नल प्राप्त करने होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा लिमिटेड टू ए शॉर्ट रेंज, ये एक शॉर्ट रेंज के लिए एक स्मॉल एरिया में यूज किया जाता है, एक इसकी लिमिटेशन एरिया होती है उसी के अंदर ये कार्य कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कैन बी ब्लॉक्ड बाई कॉमन मटेरियल लाइक वॉल्स पीपल प्लांट्स ईटीसी, अगर आप इसमें किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं तो वो मटेरियल भी ब्लॉक हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी इंफ्रारेड वेव्स हो चुकी हैं। अगर आपको इंफ्रारेड वेव्स में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी से कमेंट करें, और नहीं पूछना है तो आप बताएं कि आगे का टॉपिक समझाया जाए आपको जल्दी से। आगे हम ब्लूटूथ स्टार्ट करें, चलिए बताइए जल्दी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं आपको फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इंफ्रारेड को अपने रिमोट को लेकर याद करें
कि इंफ्रारेड वेव्स का यूज छोटी रेंजों के लिए ये किया जाता है, जैसे रिमोट वगैरह, वायरलेस कनेक्शन वगैरह। क्लियर। चलिए ब्लूटूथ स्टार्ट कर दें। आप सभी ने ब्लूटूथ देखा होगा, कैसे डिवाइस होता है। ब्लूटूथ एक हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। मोस्टली जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनके सॉफ्टवेयर तो होने ही है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उनके डिवाइस ड्राइवर के रूम में होते हैं। और डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, कमेंट करके बताएं जल्दी से। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट करें। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, नो नहीं पता है। बहुत बढ़िया। और चलो ठीक है, तो डिवाइस और ड्राइवर, ड्राइवर जानते हो कौन होते हैं, जो किसी डिवाइस को चलाते हैं। जैसे आपने बोला कार ड्राइवर, तो कार ड्राइवर कौन होगा जो कार को चलाएगा। आपने बोला कि ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर कौन होगा जो ट्रेन को चलाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपने बोला डिवाइस ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर कौन से होंगे जो डिवाइस को चलाएंगे। तो वे सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस को चलाते हैं, जो किसी डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर, अर्थात डिवाइसों के ड्राइवर, डिवाइसों को चलाने वाले सॉफ्टवेयर। क्लियर। चलिए तो हम देखते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज डाटा ओवर ए शॉर्ट रेंज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस। जो हमारा ब्लूटूथ होता है उसका मोस्टली यूज डिवाइसों में डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, वो भी एक शॉर्ट डिस्टेंस में, जैसे मोबाइल से करते हैं। आपको किसी के मोबाइल से एक फाइल लेनी है या किसी को ट्रांसफ़र करनी है, तो आप क्या करते हैं, उस फाइल को किसी दूसरे के मोबाइल में ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया डिवाइस होता है, सबके मोबाइल में अलग अलग होता है, तो पर्सनल हो गया। जब आपके पास कोई चीज़ परमानेंट आपकी होती है तो वो कैसी हो जाती है, पर्सनल हो जाती है। तो ब्लूटूथ एक पर्सनल डिवाइस होता है जिसका यूज़ डेटा एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस में। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दिस कम्स अंडर पर्सनल एरिया डिवाइस। हमारा जो ब्लूटूथ होता है उसे हम पेन भी कहते हैं, अर्थात उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। हम चाहेंगे उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, हम चाहेंगे उसे ब्लूटूथ से डिसकनेक्ट करेंगे, अर्थात हमारी बिना परमिशन के ब्लूटूथ डिवाइस से कोई भी अदर डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर। इसीलिए तो ये हमारा कैसा होता है, पर्सनल एरिया डिवाइस। इट वॉज डेवलप्ड बाई टेलीकॉम वेंडर एरिसन इन 1994। जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस है उसे एक टेलीकॉम कंपनी वेंडर एरिक्सन ने विकास किया था, डेवलप किया था। कब किया था, 1994 में। क्लियर। तो ये हमारा थोड़ा ब्लूटूथ के बारे में था। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट पूछना है तो हमें जल्दी से कमेंट करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ रिक्वायर इज लो कॉस्ट ट्रांस रिसीवर चिप टू इंक्लूड इन ईच डिवाइस। जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस होता है वो एक लो कॉस्ट की रिसीवर चिप यूज करता है, जो कि प्रत्येक डाटा, प्रत्येक डिवाइस को अपने से कनेक्ट करता है। एंड टुडे ब्लूटूथ इज मैनेज्ड बाई ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप विच हैज मोर देन 14,000 मेंबर्स कंपनीज वर्किंग इन
एरिया ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्किंग। 14,000 कंपनी इस फील्ड में काम कर रही हैं, जो कि बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां होती हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग की कंपनियां हैं, जो हमारे डिवाइसों को नेटवर्किंग के लिए प्रॉपर तैयार कर रही हैं और उनसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से नेटवर्किंग को यूज़ में ले सकते हैं। और जो आपका स्पेशली ब्लूटूथ होता है, वो एक इंटरनेट का ग्रुप भी होता है। हम ब्लूटूथ से अपने डिवाइसों में इंटरनेट भी चला सकते हैं, लेकिन मोस्टली बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनको ब्लूटूथ से इंटरनेट चलाना आता है, क्योंकि मोस्टली ब्लूटूथ का जो यूज़ किया जाता है वो फाइल शेयरिंग के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका एक अदर नाम और निकल कर आता है कि ब्लूटूथ एक फाइल शेयरिंग डिवाइस भी है। मीन्स ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया फाइल शेयरिंग डिवाइस भी है। क्लियर? चलिए अब इसके एडवांटेज देखते हैं। और पहला एडवांटेज है, इट इज चीप। ये बहुत सस्ता होता है। आप अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 200-250 रुपए का आपको ये मिल जाता है, तो ये बहुत ही चीप होता है, जिसे आप आसानी से मार्केट से खरीद कर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका अगर कोई पीसी है, लैपटॉप वगैरह नहीं, पीसी है, और आप उसमें ब्लूटूथ यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 रुपए के बीच में आपको ये ब्लूटूथ मिल जाता है, और आप अपने कंप्यूटर में लगाकर आसानी से इसे यूज़ में ले सकते हैं, और उसके माध्यम से आप कोई भी फाइल अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा, इजी टू इंस्टॉलेशन। इसका इंस्टॉलेशन भी इजी होता है। ब्लूटूथ की जो छोटी सी डिवाइस आती है, आप उस यूएसबी डिवाइस होती है, उस यूएसबी डिवाइस को आप अपने कम सीपीयू, जो आपका कैबिनेट बॉक्स होता है, उसमें आप यूएसबी एक पोर्ट होता है उससे कनेक्ट करें, आपको एक सीडी मिलेगी, उसमें ब्लूटूथ के ड्राइवर दिए होंगे, आप उसको रन कर दें, इंस्टॉलेशन हो गया। तो काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन होता है ब्लूटूथ का। थर्ड पॉइंट आता है, इट मेक्स कनेक्टिंग टू डिफरेंट डिवाइस कॉन्वीनियंट। आप जितने भी डिवाइस हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो, आप ब्लूटूथ के माध्यम से किसी भी डिवाइस को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि मेरा मोबाइल का ब्लूटूथ है तो मेरे मोबाइल के दूसरे मोबाइल के ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होगा, नहीं, किसी का भी ब्लूटूथ हो, ब्लूटूथ ब्लूटूथ होता है, और उससे हमारा चाहे मोबाइल हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे माइक हो, चाहे हमारी एलईडी हो, चाहे हमारा अदर कोई भी डिवाइस हो, हम किसी भी डिवाइस को बहुत ही आसानी से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ वायरलेस, और यह एक वायरलेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट इज़ फ्री टू यूज़ इफ़ द डिवाइस इज इंस्टॉलेशन विद इट। ये डिवाइस एक तरीके से फ्री में होता है, अर्थात एक बार परचेस करने के बाद, एक बार इंस्टॉलेशन करने के बाद, हमें इसका बार बार पेमेंट या पेड नहीं करना पड़ता है, जो कि हमें एक बार इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद, जब तक ये काम करता है, जब तक इसकी वर्किंग एरिया रहती है, और जब तक इसको हम यूज में ले सकते हैं, तब तक इसकी हमें सारी फैसिलिटीज़ फ्री में मिलती है। क्लियर? चलिए अब हम इसके देखते हैं डिसएडवांटेज, कि इसके डिसएडवांटेज क्या होती है। और ये तो स्वाभाविक बात है, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो पहला, इट कैन बी हैक्ड इनटू। ये आसानी से जो हैकर्स होते हैं वो इनको हैक कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो हैकर्स होते हैं वो तो किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ एक ओपन एरिया होता है, इसलिए उससे कोई भी उसे हैक कर सकता है, जो थोड़ी सी अच्छी सी अगर हैकिंग जानता है तो। तो ये पॉइंट तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किसी भी डिवाइस की किस प्रकार की सिक्योरिटी करते हैं, क्योंकि आपने देखा है चोरी तो किसी के भी घर में हो जाती है, अगर उसकी सिक्योरिटी सही नहीं है तो कितना बड़ा भी घर बना रहे, चोरी उसके घर में भी हो जाएगी। तो उसी तरीके से क्या होता है,
हमें अपने कंप्यूटर की, हमें अपने लैपटॉप की, मोबाइल की या किसी भी डिवाइस की सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो उसमें तो हैक होना ही है, और हैक होना एक चोरी की तरह ही होता है। क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ इंस्टॉलेशन ऑन ए सेल फोन, यदि ये सेल फोन में इंस्टॉलेशन किया जाता है, इट प्रोन टू रिसीविंग सेल फोन वायरस। तो जब इसको हम यूज करते हैं तो क्या होता है, अदर डिवाइस से कनेक्ट करके यूज करते हैं, फाइलों को शेयर करते हैं, तो जब हम किसी दूसरे मोबाइल की फाइल को अपने मोबाइल में ले रहे हैं, शेयर ले करके रिसीव कर रहे हैं, तो अगर उसके मोबाइल में वायरस हुआ तो आपके मोबाइल में भी वायरस हो जाएगा। अगर किसी दूसरे के मोबाइल में वायरस है और आप उनके मोबाइल से अक्सर ब्लूटूथ के माध्यम से डाटा लेते रहते हो, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका मोबाइल भी वायरस इफेक्टेड हो जाएगा, अर्थात आपके मोबाइल में भी वायरस आ जाएगा। इसलिए जैसे मान के चलो कि आपके घर में कोई भी एक बीमार व्यक्ति है और बार बार आपके घर में आता है, तो वो बीमारी फैलने के चांस अधिक रहते हैं। तो वैसे अगर कोई फाइल जो वायरस से इफेक्टेड है वो आपके कंप्यूटर में आती है, वो आपके मोबाइल में आती है, तो आपकी अदर फाइल्स को भी क्या कर देती है, वायरस से इफेक्टेड कर देती है। क्लियर। तो ये तो हर चीज़ में होता है, और जो सबसे ज़्यादा वायरस फैलता है वो आपका इंटरनेट से फैलता है। आपके मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, सबसे ज़्यादा जो वायरस फैलता है वो आपके इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। और मोस्टली यूज़र एक छोटी सी गलती करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होगी, कि अगर हमारा लैपटॉप है, हम अपने लैपटॉप को चला रहे हैं और बहुत सारा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो उसमें एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, 90% स्टूडेंट, 90% आपके ऑपरेटर या कोई भी डिवाइस जो चलाते हैं, मोबाइल में एंटीवायरस यूज़ नहीं करते हैं। 95% भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मोबाइल में मोस्टली स्टूडेंट यूज़र कोई भी व्यक्ति एंटीवायरस यूज़ नहीं करता है। क्या आप मेरे को बताना चाहोगे क्या मोबाइल में वायरस नहीं आता है? और सबसे ज़्यादा तो आप इंटरनेट का यूज़ मोबाइल में ही करते हैं, और सबसे ज़्यादा वायरस किससे फैलता है, इंटरनेट से फैलता है, और मोस्टली आप पूरे दिन इंटरनेट चलाते रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि मेरा जो मोबाइल है उसमें भी एंटीवायरस होना चाहिए? क्या उसको कोई वायरस नहीं आएगा? क्या वो कभी बीमार नहीं होगा? क्या वो कभी हैंग नहीं होगा? जो आपके पास मोबाइल होता है, अगर आपने उसमें जिस दिन एंटीवायरस इंस्टॉल करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, आपके मोबाइल की वैलिडिटी कम से कम 2 से 3 साल या 5 साल ज़्यादा हो जाएगी। आपके जो मोबाइल के चलने की वो कैपेबिलिटी होती है वो कम से कम 3 से 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे मोबाइल में कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, खराब होती है तो अंदर की फाइल्स, जो सिस्टम फाइल्स होती हैं, जो बूटिंग फाइल्स होती हैं, जिस दिन वो ख़राब हो जाती हैं वो उस डिवाइस को ख़राब कर देती हैं, वो उस चिप को ख़राब कर देती हैं। फिर आप बोलने लगते हो कभी मेरा चिप काम करना बंद हो गया, कभी मेरे टच काम करना बंद हो गया, कभी मेरे डिवाइस हैंग हो रहा है, कभी ये प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और करते हो कि आपने जिस दिन से मोबाइल लिया होगा, आपको भले ही 1 साल हो गई हो, 2 साल हो गई हो, 3 साल हो गई हो, आपने कभी भी उसको रिस्टोर नहीं किया होगा। और जब तक हम किसी को रिस्टोर नहीं करते हैं तो उसमें से वायरस नहीं हटता है। लेकिन ये चीज़ हम कंप्यूटर में ज़रूर कर देते हैं, जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी विंडो अनइंस्टॉल कर देते हैं, और विंडो अनइंस्टॉल होने के बाद क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो लैपटॉप होता है, वो कैसा हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आप कभी मोबाइल में करते हो? नहीं करते। क्या आपने कभी मोबाइल को रिस्टोर किया है? नहीं किया है।
आपको लगता है मेरा डाटा चला जाएगा, तो ये चीज़ फिर आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं कि मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चले जाएंगे। लेकिन आपने कभी देखा है कि अपना जो सॉफ्टवेयर चले जाते हैं वो हम दोबारा भी ले लेते हैं? तो उसी तरीके से मोबाइल में भी आप किया करो, जो भी आपकी फाइल्स होती हैं, जो भी आपका मल्टीमीडिया डाटा होता है, उसको किसी चिप में कॉपी कर लो, किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी कर लो, और उसको साल में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो उसको रिस्टोर करो, क्योंकि एक बार रिस्टोर करने के बाद वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है और जो भी उसमें वायरस आता है वो रिमूव हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम मोबाइल कंप्यूटर को तो सही कर लेते हैं विंडो इंस्टॉल करने के बाद, लेकिन मोबाइल को हम सही नहीं कर पाते। और जितने भी मार्केट में जो मोबाइल ऑपरेटर लगे हुए हैं वो सबसे पहले यही काम करते हैं, जो आप मोबाइल लेके जाते हो तो उनका मेन काम पहले यही होता है कि आपके में जो सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं उनको वो अनइंस्टॉल करते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयरों को दोबारा से इंस्टॉल कर देते हैं। और कम से कम 60% या 70%, 60 से 70% आपका मोबाइल वहीं पर सही हो जाता है। और अगर आपकी कोई चिप वायरस के कारण ख़राब हो जाती है तो वो उस चिप को वो फिर रिमूव करके दूसरी चिप लगा देते हैं और आपसे वो अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। बोल देते हैं कि आपका ये डिवाइस ख़राब हो चुका था, वो ख़राब हो चुका था, हमने इसमें ये चीज़ चेंज की है, इसमें हमने वो चीज़ चेंज की है। कभी आपने देखा है आपका मोबाइल जो गारंटी पीरियड में होता है आप सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो सर्विस सेंटर वाला आपको 1-2 घंटे में सही करके दे देता है? तो वो कुछ नहीं करता है, केवल सॉफ्टवेयर चेंज करता है। उसे मालूम होता है कि अभी ये नया मोबाइल है, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, ये मोबाइल को ज़्यादा चलाते हैं इसलिए मोबाइल गर्म होने लगा है, इन्होंने एक साथ बहुत सारा इस पर लोड कर दिया इसलिए मोबाइल गर्म होने लगा है, और ये मोबाइल में कोई एंटीवायरस नहीं है, ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती है, ज़्यादा मिलेशियस वेबसाइट यूज़ करते हैं, ज़्यादा मिलेशियस वीडियो फाइल्स वगैरह को ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसमें वायरस आ चुका है। और ये वायरस के कारण कैसा हो चुका है, हैंग होने लगा है, कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो आपके थोड़ा भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप तुरंत वहाँ पहुँचते हो सर्विस सेंटर, क्यों? आपके माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि अभी तो मेरा मोबाइल गारंटी पीरियड में है तो इसको मैं आराम से दिखा सकता हूँ, लेकिन वो दोबारा से उसको सही करके दे देते हैं। जो माइनिंग प्रॉब्लम रहती है उनको वो सही नहीं करते हैं। तो क्या होता है फिर, अगर आपका मोबाइल जब भी ख़राब होता है और जब गारंटी पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पर फिर उसको सही नहीं कराते हो, क्यों? फिर आपको लगता है मेरा पैसा चला जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि जब छोटी प्रॉब्लम ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है तो वो डाटा को नष्ट कर देती है, हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर देती है? क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें अपने डिवाइस को किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से हमारा चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, हम जिस तरीके से अपनी केयर करते हैं उसी तरीके से उनकी केयर करेंगे, तभी वो सारी चीज़ें सही रहती हैं। अदरवाइज हम भी बीमार होते हैं, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हम 2-4 साल 10 साल पहले ही ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारा डिवाइस होता है, सभी डिवाइसों की लाइफ बहुत होती है। आपने कभी देखा है कोई भी मोबाइल हो या लैपटॉप हो जो किसी एक पर्सन के हाथ में रहता है वो बहुत शानदार चलता है, उसकी जो केयरिंग होती है वो बहुत ही अच्छे से करता है, तो उसकी जो हमारी फंक्शनलिटी होती है, जो भी उसकी हमारी वर्किंग होती है वो और बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हमें अपनी तरह अपने डिवाइसों की, अपनी वेबसाइटों की केयर करनी चाहिए, जिससे वो हैक ना हो, अच्छी सिक्योरिटी हो और वायरस ना आए और मिलेशियस सॉफ्टवेयर खराब वेबसाइटों को यूज़ ना करें। क्लियर? चलिए फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है, इट ओनली अलाउ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन दो डिवाइस। जो भी हमारे दो या दो से अधिक डिवाइस होते हैं इसमें जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो एक शॉर्ट रेंज के अंदर अलाउ करता है। ये पॉइंट हम ऊपर सीख चुके हैं कि इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, शॉर्ट रेंज में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इट कैन ओनली कनेक्ट टू डिवाइस एट वंस टाइम। एक साथ हम केवल दो डिवाइस कनेक्ट कर सकती है। ये मैं आपको आपकी बुक्स के अनुसार, आपके 12th लेवल एग्जाम के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, और कंपटीशन के अलावा टाइप से थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि
क्योंकि अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो आपके जो एग्जामर होंगे जो कापी चेक करने के आएंगे तो उनको उतना ही पता रहता है जितना जो 12th लेवल का मटेरियल होता है, तो वो क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए आप यहाँ पर केवल इतना ही याद रखें, इट कैन ओनली कनेक्ट टू डिवाइस एट वंस, एक बार हम केवल दो डिवाइस ही कनेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, इट कैन लॉस कनेक्शन इन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन होती है जिसमें कनेक्शन लॉस भी हो जाता है। चलिए, तो आपको ब्लूटूथ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें जल्दी से, वरना मैं वाईफाई स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और हमारे पास आज की मीटिंग फिनिश होने के लिए भी 7 मिनट हैं और हम दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो आज वाईफाई को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, क्योंकि 40 मिनट अभी कंप्लीट होने में हमारी 7 मिनट बाकी हैं अभी, तो स्टार्ट करें वाईफाई फिर। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके, वाईफाई स्टार्ट करें। चलिए वाईफाई स्टार्ट करते हैं। और ये सभी कौन से डिवाइस चल रहे हैं हमारे, वायरलेस चल रहे हैं, इसमें किसी भी वायर का यूज नहीं होगा। तो मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि इसमें वायर का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वायरलेस चल रहा है। क्लियर, तो चलिए अब वाईफाई का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं पता होना चाहिए क्या होता है। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको याद कर लें, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकता है। तो वाईफाई इज अब्रिविएशन ऑफ द फ्रेज वायरलेस फिडेलिटी। जो वाईफाई हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है वो किसका, किस फ्रेज का होता है, वायरलेस फिडेलिटी का होता है। इट इज द यूनिवर्सल वायरलेस टेक्नोलॉजी। जो हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है वो यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल समझ रहे हो आप, बहुत ही बड़ी एरिया में फैली हुई होती है। दैट यूटिलाइज रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसफर डाटा। और आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो हमारी वाईफाई होती है उसमें रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी वेव्स यूज की जाती है, आपको इंफ्रारेड भी ऑप्शन में दिया होगा और भी जो वेव्स मैंने आपको बताई थी, माइक्रोवेव्स भी दिया होगा। तो आपको क्या टिक करना है कि वाईफाई में डेटा सेंड करने के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो कौन सी होती है, रेडियो वेव्स। आगे देखते हैं, वाईफाई कैन बी डिजाइन फॉर प्राइवेट एक्सेस विद द इन होम और ऑफिस। जो वाईफाई होता है उसको होम के लिए या ऑफिस के लिए, होम नेटवर्क के लिए या ऑफिस नेटवर्क के लिए, एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थात उसमें एक प्राइवेट नेटवर्क यूज किया जाता है और उससे हम एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इट कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉट स्पॉट सच एज होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड मैनी मोर प्लेसेस। जो हमारा वाईफाई होता है उसका हम एक सब नेटवर्क बना लेते हैं, उसी के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क और बना लेते हैं जिसे हम हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं, और हॉटस्पॉट को हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, कॉफी सेंटर होते हैं, शॉप्स होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होती है, इन पर सभी जो हमारे हॉटस्पॉट रहते हैं वाईफाई के वो पब्लिक रहते हैं। आप कोई भी कनेक्ट होकर डायरेक्ट उनका नेट एक्सेस प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो उनका नेट रहता है वो एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी तक होता है। जैसे आप स्टेशन पर जाओगे तो स्टेशन पर मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 GB तक यूज कर सकते हैं, 1 GB तक यूज कर सकते हैं एक आपने मोबाइल नंबर से। तो हर जगह नेट की अलग अलग रहती है, कहीं अनलिमिटेड भी मिलता है, कहीं 500 GB भी मिलता है, कहीं 500 MB भी मिलता है। तो ये सभी क्या होते हैं, एक फिक्स क्राइटेरिया होती है जहाँ पर पब्लिक हॉटस्पॉट खोल दिया जाता है
और उस पब्लिक हॉटस्पॉट का यूज करके पब्लिक उस नेट को एक्सेस कर सकती है और उसका बेनिफिट्स ले सकती है। जैसे आप मोस्टली स्टेशन पर जाते हो तो मोस्टली अधिकतर आप लगभग सभी स्टेशनों पर वाईफाई पब्लिक कर दिया गया है और सभी पर वाईफाई कनेक्ट होते जा रहे हैं। क्लियर? हॉटस्पॉट जानते हो ना क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट क्या होता है कमेंट करके बताइए जल्दी से। हॉटस्पॉट क्या होता है जिससे नेट कनेक्ट करते हैं? नेट तो हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। हॉटस्पॉट का मीन्स होता है कि हम अपने मोबाइल के नेटवर्क को, किसको? अपने मोबाइल के नेटवर्क को किसी दूसरे डिवाइस के लिए शेयर करना। जब आप अपने हॉटस्पॉट से किसी दूसरे के लिए वाईफाई बनाते हो, जैसे आपका मोबाइल का नेट है, आप उसको हॉटस्पॉट ओपन कर देते हो तो सामने वाले के लिए एक सब वाईफाई नेटवर्क बन जाता है। एक स्मॉल एरिया में सब वाईफाई नेटवर्क बन जाता है जिसे हम हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं। और हम जब अपने मोबाइल के नेटवर्क को किसी अदर मोबाइल के लिए शेयर करते हैं तो वो हमारा हॉटस्पॉट के रूप में होता है। क्लियर? तो हम हॉटस्पॉट से क्या करते हैं, एक मोबाइल के नेटवर्क को किसी दूसरे के मोबाइल में शेयर करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? क्लियर है हॉटस्पॉट? तो चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वाईफाई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये हमारा वाईफाई टॉपिक क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे, ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो वाईफाई के हमारे जो एडवांटेज होते हैं, पहला हमारा एडवांटेज है कॉन्वीनियंट, अर्थात यूजफुल फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड अदर पोर्टेबल डिवाइस टू कनेक्ट एट एनी कॉन्वीनियंट लोकेशन विद इन द प्रीमियस। जो भी हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, टैबलेट होती हैं, अदर जो भी पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, उन सभी में हम वाईफाई का यूज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारी सिंपलिसिटी, टू कनेक्ट ए फ्यू डिवाइस विद ए नेटवर्क, सिंपल टर्न ऑन वाईफाई एंड डू द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अर्थात जो हमारा वाईफाई में सिंपलिसिटी होता है, उससे हम एक एक नेटवर्क से कुछ न्यू डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने हॉटस्पॉट ओपन कर दिया तो हॉटस्पॉट से हम कम से कम जो भी हमारे मोबाइल्स होते हैं, हम जितनी मोबाइल की कैपेसिटी होती है उसके अनुसार हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं एक छोटे से नेटवर्क में। और उसकी सेटिंग हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। कॉन्फ़िगरेशन जानते हो क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अकृति, कोमल, जल्दी से आप बताएं कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जल्दी से बताएं आप। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। नहीं पता, चलिए हम बता दें। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसको मैं आपको एक विद एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको एकदम क्लियर आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे आपको अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर हॉटस्पॉट कनेक्ट करना होता है, तो आप किस तरीके से करते हो? पहले अपना हॉटस्पॉट ओपन करते हो, सामने वाला उससे कनेक्ट होता है, क्लियर? फिर वो पासवर्ड मांगता है, अगर आपके में पासवर्ड डला हुआ है तो फिर आप क्या करते हो, सामने वाले को पासवर्ड देते हो। वो पासवर्ड देने के बाद वो ओके करता है, तो ओके करता है, थोड़ी देर प्रोसेस चलती है और वो कनेक्ट हो जाता है। ऐसी तो हम हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं, ऐसी तो हम हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारे जो प्रोसेस हुई, हमने उसको पासवर्ड दिया, उसने पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद वो कनेक्ट हो रहा था, तो जो कनेक्ट होने की प्रोसेस होती है वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। क्लियर? जैसे अभी मैंने आपको लिंक भेजी थी, आपने लिंक पर क्लिक किया तो
तो क्लिक करने के बाद आपको जो कनेक्ट होने में जो टाइम लगा, कनेक्ट होने में जो प्रोसेस हुई, वही क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। क्लियर समझ में आ गया आप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा मोबाइलिटी नेटवर्क। इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, जो हमारा इंटरनेट होता है उसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बस, ट्रेन, कॉफी शॉप, सुपर मार्केट, ETC, अर्थात जो हमारे मोबाइल में नेटवर्क होता है उसे हम कहीं भी एक्सेस कर लेते हैं, उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक इस तरीके की हमारी मोबाइलिटी होती है जिसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडेबिलिटी। इट कॉन्वीनियंट टू ऐड मोर वायरलेस डिवाइस विद द करंट हार्डवेयर सेटिंग्स विदाउट एनी कॉस्ट एंड टाइम। हम अपने हॉटस्पॉट से, हम अपने वाईफाई से कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वायरलेस डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर स्टेशन पर वाईफाई खुला हुआ है तो आपको पता है कि जितने भी वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जो यूज़र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सब पीपल्स होते हैं, वो उसको इंटरनेट को कनेक्ट होकर उसका बेनिफिट लेते हैं। तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं? वायरलेस कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे मोर डिवाइस वायरलेस हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा इफिशियंटी, और इफिशियंटी होता है वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस आर यूज्ड एट ऑफिस फॉर कन्वीनियंट टू एक्सेस देयर फाइल्स एट एनी लोकेशन एंड गिव्स मोर प्रोडक्टिवली फॉर कंपनीज। जो हमारा वाईफाई होता है वो हम अपने ऑफिस में इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल होने के बाद हम अपनी फाइलों को अदर कंप्यूटर पर, अदर कंपनीज को, अदर एम्प्लॉयज़ को शेयर कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को भी शेयर कर सकते हैं। जो भी हम वाईफाई चलाते हैं, जैसे आप वाईफाई चला रहे हो, आप नेट चला रहे हो, तो उसके माध्यम से आप क्या करते हो? किसी से भी चैटिंग कर लेते हैं, किसी को भी डाटा शेयर कर देते हैं, किसी से भी आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब उसके बेनिफिट ही तो है। जो आप इंटरनेट यूज करके जो उनके बेनिफिट उठा रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो इंटरनेट पे, वो उसके क्या होते हैं? वो उसके बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता हमारा कॉस्ट कंट्रोल। इन वाईफाई नेटवर्क डिवाइस कैन बी एडिट विदाउट एनी कॉस्ट, अनलाइक केबल्स नीड टू बी गेट देन मोर पावर टू डू दिस जॉब। जो हमारी ये वाईफाई होती है उसमें हमें किसी भी केबल की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार वाईफाई लगवाने के बाद हम सभी डिवाइसों को वायरलेस कनेक्शन दे सकते हैं, अर्थात हम अपनी सभी डिवाइसों को वायरलेस कनेक्टेड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी हैज स्टैंडर्ड फॉर ऑल कंट्रीज। इट हेल्प्स फॉर द मोबाइल डिवाइस टू कनेक्ट वाईफाई रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। अर्थात जो हमारा वाईफाई होता है वो लगभग सभी कंट्रियों में फैला हुआ है। अपने अपना वाईफाई चलता है, अमेरिका में अमेरिका का चलेगा, दिल्ली में दिल्ली का चलेगा, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी कंट्री में, सभी में वाईफाई नेटवर्क फैला हुआ है। और जो हम किसी भी मोबाइल डिवाइस से या किसी भी लैपटॉप से या किसी भी टैबलेट से कनेक्ट करके यूज़ में ले सकते हैं। तो ये तो हमारे एडवांटेज, और अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज कि ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों होता है। पहला, परफॉर्मेंस एंड स्पीड। ऑल थ्रो गीगाबिट वाईफाई अवेलेबल इन द मार्केट। जो हमारे गीगाबाई मतलब GB की स्पीड होती है वो मार्केट में अवेलेबल है, बट वी कैन नॉट गेट द गीगाबाइट स्पीड एट द लोकेशन। हम जो GB में स्पीड लेते हैं लेकिन वो हमें GB में स्पीड कभी मिल नहीं सकती, या उस लोकेशन पर हमें GB कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। नाउ केबल नेटवर्क हैज 10 GBPS स्पीड। जो हमारी केबल नेटवर्क में होती है उसमें हमें 10 GBPS की स्पीड मिल सकती है, अर्थात गीगाबिट पर सेकंड। तो हमें 1 सेकंड में कितना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं? 10 GB का डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। सोचो कि हमारी जो केबल्स होती हैं उसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी चल सकती है?
10 GBPS मतलब गीगाबिट पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 GB डाटा हम खत्म कर सकते हैं। वो आपके मोबाइल में कितना मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 GB या 2 GB। सोचो 10 GB हम 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, तो 1 सेकंड कितनी होती है पता भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार हमारा 2 GB का डाटा, फिर उसका तो पता ही नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बात, तो इस प्रकार क्या होता है, जो हमारा वाईफाई होता है उससे अच्छी स्पीड हमें किस में मिलती है? केवल नेटवर्क में मिलती है। ये उसकी हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन उसमें रख दी है क्योंकि उन्होंने कंपेयरिंग किससे कर दी है? केवल की स्पीड से कर दी है कि केवल में स्पीड ज़्यादा मिलती है और वायरलेस में स्पीड कम मिलती है। तो भी ये भी इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो ये हम डिसएडवांटेज नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर वो डिसएडवांटेज हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कनेक्टिविटी या रिलायबिलिटी। तो कनेक्टिविटी कैसी होती है या रिलायबिलिटी कैसी होती है? तो वाईफाई सिग्नल डिपेंड ऑन द इंटरफ्रेंस, मतलब EMI पर काम करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है। जी मैंने कल आपको बताया था कि उनकी कनेक्टिविटी, उनकी रिलायबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? उसके एटमॉस्फियर पर। अगर एटमॉस्फियर सही होगा तो हमें उसके सिग्नल सही प्राप्त होंगे, और अगर मौसम खराब हुआ, एटमॉस्फियर वेदर खराब हुआ, तो उसकी कनेक्टिविटी सही तरीके से कभी होती है कभी नहीं होती है। क्लियर? कॉन्क्रीट बॉल विल रिड्यूस द सिग्नल स्ट्रेंथ, ऑल्सो देयर इज अ लिमिट फॉर डिस्टेंस टू वाईफाई सिग्नल। देखो, चाहे केबल्स हो चाहे वाईफाई हो, सबकी एक लिमिटेशन एरिया होती है, उसके बाद में जाके हमें वाईफाई के सिग्नल नहीं मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप स्टेशन पर गए, वाईफाई मिल गया, लेकिन क्या आप मेरे को बताओगे कि स्टेशन को छोड़ने के बाद, स्टेशन से थोड़ा दूर जाने के बाद आपको वाईफाई के सिग्नल मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वाईफाई है, जो हमारे वाईफाई के सिग्नल्स हैं, वो स्टेशन की एरिया में लिमिटेड किए गए हैं। जो हमारी स्टेशन की एरिया होती है उसमें फिक्स कर दी गए हैं। तो हमारा जो वाईफाई नेटवर्क होता है उसकी एरिया एक लिमिटेशन होती है, फिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में आता है वाईफाई, वाईफाई राउटर हैज़ वेरासियस इंक्रिप्शन मेथड टू सिक्योर आवर नेटवर्क पासवर्ड, नीड टू बी डन प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन बिफोर यूजिंग द वाईफाई नेटवर्क। अर्थात हमें जो हमारा जो वाईफाई नेटवर्क होता है उसमें हमें अपने वाईफाई को सिक्योर बनाने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। अर्थात हम अपने पासवर्ड में, सॉरी, हम अपने नेटवर्क में पासवर्ड क्रिएट करके रखते हैं तो वो सिक्योर बना रहता है। अगर हम पासवर्ड नहीं रखते हैं तो फिर वो एक हैक होने के चांस उसमें अधिक रहती है। तो हमें उसकी सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता होती है। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे वाईफाई के, यहाँ पर हमने वाईफाई कवर कर लिया है। तो आज हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए? इंफ्रारेड वेव्स हो गई, ब्लूटूथ हो गया और वाईफाई हो गया। ठीक है, आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर आप थोड़ा भूल जाते हैं तो आप वीडियो को देख लिया करें। मैं आपको वीडियो पर डे अपलोड करता रहता हूँ, और कल का वीडियो आपको आज मिलेगा और आज का वीडियो कल मिलेगा। अर्थात मैं आपको अब एक दिन छोड़ के वीडियो दिया करूँगा कि आज का वीडियो कल, कल का वीडियो परसों, जिससे क्या होती है, वीडियो की जो भी सेटिंग्स रहती है वो सही तरीके से मैं कर लेता हूँ तो आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? तो वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे वो भी वीडियो को देख सकें। ठीक है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें, तो अपना एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, तो हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा, हमारा कंपटीशन बहुत सारे स्टूडेंटों से हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने चैनल से जुड़ने के लिए शेयर करें, उनकी लिंक शेयर करें और उनसे कनेक्ट करने के लिए आप कहें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अपने YouTube चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको आसानी से देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर?
फिर भी जैसे अगर आपको कभी टाइम नहीं मिलता है, तो जैसे आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते टाइम आपने ईयरफोन लगा लिया और वो मोबाइल में लगा लिया, अपना वीडियो चल रहा है, आप लोग खाना खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ होती रहती हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लिया करें, तो आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज मैं आपको अभी थोड़ी देर से क्वेश्चन आंसर की PDF भेज दूंगा, तो आप उनको देख लें। अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता है, हमें पूछना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर दें, तो मैं आपको दूसरे दिन या छोटे से पॉइंट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको समझा दूंगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, हमारे जो भी हमारा वायरलेस का होगा। चलिए, मीटिंग फिनिश कर दें।